बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हूर अहमद और गोल्डन वे चैनल में खुश आमदीद। मैं आज आपको बताऊंगा कि 8 क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर किस तरीके से कॉन्फिडेंस है और किस लेवल पे है, और ये आपसे आज मैं शेयर करूंगा और इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने आज जो हमारे टेस्ट सेशन है इनसे इनको क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हबीब। माय फादर नेम इज़ सुल्तान महमूद। आई एम इन 8th क्लास। आई रीड इन सुफा कैमिट स्कूल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इफ्राहिम। माय फादर नेम इज़ साबिर अय्यूब। आई एम इन 8th क्लास। आई रीड इन सुफा कैमिट स्कूल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन। माय फादर नेम इज़ जुल्फकार। आई रीड इन क्लास 8। आई रीड इन सुफा कैमिट स्कूल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हसन। माय फादर नेम इज़ तारिक। आई रीड इन 8th क्लास। आई रीड इन सुफा कैमिट स्कूल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अलीना। माय फादर इज़ जफर इकबाल। आई रीड इन क्लास 8। आई रीड सुफा कैमिट स्कूल सिस्टम। क्वेश्चन के जो अभी ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसके बारे में आपके क्या तासर हैं, तो इससे क्या होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे हमारी पढ़ाई जो सी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये अब छुट्टियां हो रही हैं जिसकी वजह से 3 महीनों में काफ़ी बच्चे बहुत कुछ भूल जाते हैं पीछे से। अगर ये क्या कहते हैं ये टेस्ट सेशन होंगे छुट्टियों से पहले तो बच्चों को भूलेगा नहीं, और के सबक क्या कहते हैं टेस्ट की वजह से वो सिलेबस बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगा। अच्छा इफ्राहिम, आप मुझे बताइएगा कि मसलन ये जो मेथड है ये टेस्ट सेशन का, जैसे ग्रैंड टेस्ट का जो हम मेथड ले रहे हैं, पूरा सिलेबस है इसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवीज़न करके सारी क्लासेस के अंदर टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो इससे जो बच्चों की बिल्ड के साथ साथ क्या मसलन कोई चेंजिंग, पहली जो स्टडी हो रही थी कैजुअल उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर पहले उन्हें अच्छे से याद नहीं था होता है स्कूल में, और याद भी हो जाएगा, पेपर उनके अच्छे होंगे। थैंक यू। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि चलो जैसा कि इफ्राहिम ने बताया कि टेस्टों के ज़रिए बच्चों की जो तैयारी है वो रेडी मतलब अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि बच्चों की जो तैयारी हो रही है तो टेस्टों की वजह से पेरेंट्स के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, पेरेंट्स की क्या चेंजिंग आती है पहले की निस्बत? सर जी हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे टेस्ट देंगे तो पढ़ाई कर सकेंगे, नहीं तो हम अपने घर वालों को अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, हमारे वालदैन हमसे भी खुश होंगे और हमारी पढ़ाई से भी खुश होंगे। अच्छा आपसे ये मेरा सवाल है कि टेस्ट सेशन में जो बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट आती है, कोई 3 ऐसी इम्प्रूवमेंट जो पहले नहीं आ रही थी जो अब आएंगी? पहले जैसे बच्चे घर से होमवर्क भी नहीं करके ले आते थे वो अब मतलब सब याद भी करके ले आते हैं, और दूसरा ये कि पहले बच्चे याद भी नहीं करते थे, अब सारे बच्चे याद भी कर लेंगे, और टेस्टों की ये वजह है कि पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। अच्छा अलीना आप मुझे ये बताएं कि जो टेस्ट सेशन चल रहा है इस टेस्ट सेशन के ऊपर मसलन ये है कि पूरा प्रॉपर तरीके से बच्चे मसलन के पूरे स्कूल की जो तादाद है बच्चे कोई भी छुट्टी पे नहीं है, सारे बच्चे प्रॉपर आए हैं बिल्कुल और रेडी होके आए हैं, वालदैन भी उसको भेज रहे हैं, जिन बच्चों के पास पूरा पूरा साल में पेंसिल नहीं थी, इरेजर नहीं थी, नहीं थे किसी के पास, शीट नहीं होती थी, आज जो है सारे ही जितने भी पेरेंट्स हैं वो पूरे प्रॉपर तरीके के साथ बच्चों को भेजा और बच्चे भी मेंटली तौर पर क्या बच्चे तैयारी भी करके हैं इसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तैयारी करके आइए, आप बता दें इस्लाम या तो इंग्लिश। जी थैंक यू। ये 8th क्लास के ओपिनियन से तो 8th क्लास ने हमें बताया कि ग्रैंड टेस्ट जो है उसका उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं ये इनके तासरात लेने का मकसद ये नहीं कि हम देखना चाहते हैं कि बच्चों को भी इसके बारे में नॉलेज है और कुछ बच्चों के अंदर बोलने की पावर पैदा हो, बच्चों के अंदर अपने हक मांगने की पावर पैदा हो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you.